शास्त्रीय काल, मैं रुखसार आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अद्भुत गेम शो में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस, अ जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंटेड बाय एएशाज आईएएस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हमारे देश में आईएएस बनने के ख्वाब कई नौजवान अपनी आंखों में लेकर घूमते हैं, लेकिन साकार सिर्फ उन्हीं के सपने होते हैं जिनके पास होता है बुलंद हौसला और उन सपनों को साकार करने की हिम्मत और लगन। तो बस खुद पर भरोसा रखें और अपने मुकाम की तरफ बढ़ते रहें, आप उस मुकाम पर एक दिन जरूर पहुंचेंगे। इसी दिशा में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये गेम शो जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान पर क्वेश्चंस, उसके आपको सही जवाब देने होंगे और अगर आप उसके सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे कि किंडल, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट। तो गेम की शुरुआत हम करेंगे फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट स्टेज, जिसमें जो सबसे तेज जवाब देगा इसका वो आएगा हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर और खेलेगा हमारे साथ कौन बनेगा आईएएस। तो हमारा आज का फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अरेंज द फॉलोइंग पावर्स और डायनेस्टीज इन द ऑर्डर इन विच दे फर्स्ट रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से इंडिया पर शासन करने वाली इन डायनेस्टीज को आपको सबसे पहले से अंत तक अरेंज करना है, ए ब्रिटिश, बी मुगल, सी चौहान या डी लोधीज। आपका समय शुरू होता है अब। शुरू से अंत तक आपको इन्हें अरेंज करना है। समय समाप्त हो चुका है, आइए देखें इसका सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आता है सी चौहान, उसके बाद आता है डी लोधीज, उसके बाद आता है बी मुगल्स और अंत में आता है ए ब्रिटिश। तो आइए देखते हैं सबसे तेज इसका जवाब किसने दिया है। देमल गुप्ता फ्रॉम जम्मू, लेट्स वेलकम देमल गुप्ता ऑन द स्टेज। प्लीज देमल गुप्ता, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज। देमल गुप्ता, हम आपका स्वागत करते हैं कौन बनेगा आईएएस में, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो देमल, आपको कैसा लग रहा है कि बीआई में आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बीआई में आके। मेरे को आपके जो प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक है, मैं एएशा इंस्टीट्यूट का ये मतलब सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूं उनके YouTube चैनल्स को, तो मेरे को एक ईमेल से इंफॉर्मेशन मिला है। क्या बात तो देमल, गेम शुरू करने से पहले हम आपको गेम के नियम बताना चाहेंगे। इस गेम में आपके पास होंगे टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और होंगे 4 पड़ाव। पहला पड़ाव होगा 3 क्वेश्चंस पे, दूसरा होगा 5 पे, तीसरा 7वें क्वेश्चन पे और आखिरी पड़ाव होगा 10वें क्वेश्चन पे। अगर आप 10 क्वेश्चन पार कर लेते हैं तो आप जैकपॉट जीत सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं अटक जाते हैं किसी भी क्वेश्चन पे तो आपके पास होगी 3 लाइफ लाइन। पहली लाइफ लाइन है आपकी ऑडियंस पोल, यहाँ बैठी हमारी जनता जनार्दन से आप पूछ सकते हैं उस सवाल का जवाब जहाँ पे आप अटक गए हैं। दूसरी लाइफ लाइन है आपके पास 50-50, जहाँ पे आप कोई भी 2 गलत ऑप्शन हटा सकते हैं। और तीसरी एक्सपर्ट एडवाइस, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट आपको उस उत्तर को सॉल्व करने में मदद करेंगे आपकी। तो शुरू करें हम ये गेम फिर आपके साथ। yes, चलिए फिर हम खेलते हैं देमल गुप्ता के साथ कौन बनेगा आईएएस। देमल गुप्ता, नजर अपनी स्क्रीन पर आने वाला है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्लीट द प्रोवर्ब नाच न जाने डैश, ए कमर टेढ़ी, बी आसमान टेढ़ा, सी आंगन टेढ़ा, डी मुंह टेढ़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो आर यू श्योर विद इट? यस मैम। लॉक कर दिया जाए? यस मैम। ओके कंप्यूटर जी, देमल कह रहे हैं ऑप्शन सी सही है, तो बताइए ऑप्शन सी सही है या नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कैसा लग रहा है देवल आपको यहाँ आके? आप हमें कुछ जम्मू के बारे में बता सकते हैं, आप वहाँ के हैं तो? हाँ मैम, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू के बारे में मैम, जम्मू एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, जम्मू तो हमारे देश का एक बोल सकते हैं कि गहना है। जी मैम, वहाँ पे बहुत सारी जगह, अगर आप मतलब घूमने के शौकीन हो तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए। वहाँ पे आपको लाइक एडवेंचरस टूरिज्म मिलेगा, आपको बहुत सारी लेक्स है देखने वाली, वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी है बहुत अच्छा। बाकी मैम, जम्मू ओवरऑल बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ कभी आप आके घूमे आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जरूर आएंगे। हम ये चाहेंगे कि देमल गुप्ता ही हमें घुमाएं। आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए? यस मैम। ओके, दूसरा प्रश्न कंप्यूटर जी, देमल गुप्ता ये आपकी स्क्रीन पर, द वेट ऑफ डायमंड्स इज यूजुअली मेजर्ड इन व्हाट, ए तोला, बी कैरेट, सी मोंड और डी ट्रॉय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैरेट। यस मैम। लॉक कर दें इसे। या मैम श्योर। ओके कंप्यूटर जी, देमल जी बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी कैरेट पर लॉक लगाया जाए, क्या ये सही उत्तर है या नहीं हमें बताएं प्लीज। बी कैरेट भी बिल्कुल सही उत्तर है। तो देमल जी बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा जिसे सुन के आपको बताना है कि आवाज किसकी है। तो आप तैयार है कंप्यूटर जी, ऑडियो बजाया जाए। Question is essay, about the essay. So essay, you have to write two essays presently. It's a complete one paper, 3 hours writing two essays. So it's a huge paper where you have to understand how to write an essay. When you're doing your answer writing practice, a lot of writing is already done. Then essay is just taking it forward, writing it 10 times, say, of the answer which you write in general studies. So you have to have a clear understanding of flow, the introduction, how the body should be, how you conclude the essay. तो आपके ऑप्शंस देमल जी ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ए टीना रावी, बी शुभ्रा रंजन, सी बिलकिस खत्री या डी अनु कुमारी। तो मैम राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिलकिस खत्री। आर यू श्योर? यस मैम। लॉक कर दे। श्योर मैम। ओके कंप्यूटर जी, देमल जी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी बिलकिस खत्री को लॉक कर दिया जाए, तो क्या ये सही है या नहीं हमें बताएं प्लीज। बिल्कुल खत्री बिल्कुल सही उत्तर है। इतना जल्दी कैसे बता दिया देमल जी आपने? मैम एक तो ये मतलब आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन ही था, क्योंकि मैम एक अच्छी मेंटर है, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा कवरेज करती है द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो मैं मैम को काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, तो जैसे ही मतलब वो आवाज मेरे कान में स्ट्राइक की तो मेरे को इमीडिएटली पता लग गया था कि ये बिल्कुल खत्री मैम की आवाज है। और बाकी मैं यही बोलूंगा कि जो भी मतलब ये देख रहे हैं अभी केबीआई कौन बनेगा आईएएस, तो आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल मैम को फॉलो कर सकते हो, जो कि एक बहुत रिलायबल सोर्स है। क्या बात है जी, क्या बात है। एक्चुअली हमारी बस ये हमारे इंस्टीट्यूट की यही कोशिश है कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में पूरी पूरी मदद करें, और देखिएगा आप भी एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। तो देमल इसी के साथ आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और आपको मिलता है एशिया आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैप। थैंक यू। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देमल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the common name for surgery conducted on coronary arteries that supply blood to the heart? A. Cataract, B. Gastric, C. Bypass, D. Debridement. Surgery on coronary arteries. Ma'am, lifeline. Please, टिक कीजिए, रुक जाए। देमल जी लाइफलाइन यूज करना चाहेगी, लाइफलाइन दिखाई जाए कंप्यूटर जी। आपके पास तीन लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल 50-50 एक्सपर्ट, आप कौन सी लेंगे? मैम 50-50 लाइफलाइन देमल जी यूज करना चाहते हैं। दो गलत जवाबों को हटा दिया जाए। अब आपके पास है ऑप्शन बी गैस्ट्रिक और ऑप्शन सी बाईपास। ऑप्शन सी बाईपास। आर यू श्योर? यस मैम। लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, सी बाईपास को लॉक किया जाए, बताया जाए कि ये सही उत्तर है या नहीं। सी बाईपास बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे पता लगाया आपने सी बाईपास? मैम एक्चुअली मेरे को गैस्ट्रिक और कैटरेक्ट का पता था कि वो एक पेट से और एक आंख से रिलेटेड है, बट मेरे को जो फोर्थ डी ऑप्शन था एक्चुअली मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता था। अच्छा। तो वहां पे कंफ्यूजन लग रहा है। ओके ओके, बहुत अच्छा, वेल प्लेड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका पांचवा प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हिच ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कीम्स डील्स विद द एक्सपेंशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू हाउसहोल्ड्स बिलो द पॉवर्टी लाइन? ऑप्शंस आर ए नई रोशनी योजना, बी मिशन इंद्रधनुष, सी उज्ज्वला योजना या डी उड़ान योजना। एलपीजी कनेक्शन। मैम ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना। ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, क्या आप श्योर हैं? यस मैम। देवल जी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बताएं हमें कि क्या ये उत्तर सही है। वेल प्लेड देवल जी, क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ देवल आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और आपको मिलता है एशिया आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर देवल जी, ये रहा। What is the name of India's national aquatic animal? Options are A. River dolphin,
बी क्रोकोडाइल, सी कतला फिश और डी ग्रीन फ्रॉग। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन। यस मैम रिवर डॉल्फिन। लॉक कर दें इसे। यस मैम। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन है रिवर डॉल्फिन, लॉक करें और हमें बताएं कि ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब आपका देंगे। देवल जी हमें ये बताइए कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? मैम एक्चुअली मेरा कुछ बचपन से मेरा कोई ड्रीम नहीं था IAS बनने का, बट इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बहुत सुनने के लिए बेताब है आपकी स्टोरी, बताइए। मैम एज आई बिलोंग टू जम्मू, तो मतलब वो थोड़ा वहाँ पे LOC वगैरह रहता है, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, तो वहाँ पे ड्रग्स एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो वहाँ पे ऐसे कहते हैं मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे एक टाइम पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट हो चुका था, मतलब स्टूडेंट यंगस्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। तो वहाँ पे एक IPS लेडी आई थी, तो मेरे को मैम का नाम अभी कन्फर्म याद नहीं है, बट मैं बहुत छोटा था वो टाइम पे, बट उन्होंने मतलब आगे काफ़ी एक अच्छा मोमेंट चलाया था, जिससे मतलब कि जो मेरी डिस्ट्रिक्ट थी मतलब ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी थी पूरी। और जब मैम का ट्रांसफ़र आया था वहाँ से उस IPS लेडी का, तो जो हमारे लोकल लेडी है जहाँ के रहने वाले, उन लोगों ने मैम उन प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि दे वांट कि वो ऑफिसर वहीं पर रहे, क्योंकि उसकी वजह से उनके जो सोसाइटी में भी इफेक्ट आया था और जो उनके जो बच्चे थे खुद के मैम, वो भी काफ़ी हद तक रिहैब हो चुका था। तो मेरे को वहाँ से ऐसा पता लगा कि एज ए सिविल सर्वेंट मतलब मैं अपनी सोसाइटी में कितना ड्रास्टिक चेंज ला सकता हूँ। तो मुझे दैट टाइम पे रियलाइज हुआ कि एक सिविल सर्वेंट की क्या क्या पावर्स होती है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरे को भी कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इस गेम को अब आगे बढ़ाएंगे। देवल जी आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस मैम। ठीक है कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए। योर क्वेश्चन इज वेयर इज फोर्ट विलियम लोकेटेड। ऑप्शंस आर ए चेन्नई, बी गोवा, सी कोलकाता और डी मैसूर। मैम ऑप्शन सी। सी कोलकाता लॉक करके बताइए। कंप्यूटर जी सी कोलकाता लॉक करके मैं बताएं कि ये सही है या नहीं। यस इट इज द राइट आंसर। इसका भी फट से उत्तर दे दिया देवल जी आपने। मैं इसलिए ये क्वेश्चन काफी बार रीड कर चुका हूं मैं। अच्छा अच्छा, ओके, क्या बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देवल जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ए डल लेक, बी पवाई लेक, सी बुला लेक और डी चिपका लेक। ऑप्शन सी बुलार लेक। ऑप्शन सी बुलार लेक, आप श्योरली इसके साथ जाना चाहेंगे? यस मैम। ओके कंप्यूटर जी, हमें बताएं कि सी बुलार लेक सही उत्तर है या नहीं। सी बुलार लेक बिल्कुल सही। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा खेल। और इसी प्रश्न के साथ देवल जी आपने जीत लिया है ये तीसरा पड़ाव, और ये IAS इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मिलती है लक्ष्मीकांत की बड़े बम। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाया जाए स्क्रीन पर। लाइम इज आल्सो रिटन एज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम को क्या बोलते हैं? मैम लाइफलाइन। कितने के लिए प्लीज जुट जाइए। देवल जी लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे आप? देवल जी 50-50 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब आपके पास ऑडियंस को लेने और एक्सपर्ट एडवाइस है। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूं। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है ऑडियंस, अब आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, आपको इसका सही जवाब देना है। ऑडियंस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाइम इज आल्सो रिटन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑडियंस ने सबसे ज्यादा वोट दिया है ऑप्शन बी को, तो क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे देवल? ऑफ कोर्स मैम। ठीक है देवल गुप्ता ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं, देखते हैं बी ऑप्शन सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, ऑडियंस ने जीता है देवल को, प्लीज थैंक यू फॉर योर। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी है आप देवल? यस मैम। चलिए
ये रहा। मिशन शक्ति वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन एयरफोर्स या डी ऑल ऑफ द अबव। मिशन शक्ति काफी चर्चा में रहती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या मैम डीआरडी। लॉक कर दे इसे। यस मैम। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लॉक कर दे और हमें बताए कि ये सही है या नहीं। अगला प्रश्न देवल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सी विजिल, ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी डिपार्टमेंट ऑफ पसौदन, सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या डी नन ऑफ द अबव। सी विजिल किसने लॉन्च किया है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस मैम। किसे जाना चाहेंगे आप? यस मैम। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लॉक किया जाए और हमें बताए कि ये सही उत्तर है कि नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की थी कि अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब ऐसा वायलेट करता है तो उसके लिए हम मतलब सेम टाइम पे ऐप के थ्रू मतलब हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और अभी इलेक्शन का टाइम भी है कंट्री में, तो इसलिए मेरे को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे कुछ इतना डाउट नहीं था। केवल 10वें क्वेश्चन के साथ आपने क्लियर कर लिया है केबीआई का आखिरी पड़ाव और आपको मिलता है एशिया आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक स्मार्टफोन। थैंक यू। और आप हमारे साथ इतना अच्छा खेले उसके लिए हम आपको देते हैं 25% का डिस्काउंट कूपन भी। तो देवल गुप्ता, हमें आपके साथ कौन बनेगा आईएएस खेल के बहुत बहुत अच्छा लगा आपको। हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। थैंक यू सो मच। तालिए देवल गुप्ता। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये शो यही समाप्त करते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं कौन बनेगा आईएएस में और बैठना चाहते हैं यहाँ के हॉट सीट पर हमारे साथ खेलना चाहते हैं ये गेम, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.youngias.com पे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, वहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर देना है। फिर आपसे वो पूछेगा व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यंग आईएएस, तो वहां पे आपको फिलअप करना है KBI। इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, आ सकते हैं कौन बनेगा आईएएस में, बैठ सकते हैं हॉट सीट पर और खेल सकते हैं हमारे साथ कौन बनेगा आईएएस जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम आपसे अलविदा लेंगे। गुड बाय, खुदा हाफिज।